हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके वेबिनार। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आज हम समझेंगे इजी नोट कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे इजी नोट का कुछ इंटरफेस है ऐसा। सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे, बैक टू प्रिपरेशन पर जाएंगे। कुछ भी पढ़ाने से पहले आपको किसी तरह का प्रिपरेशन तैयार करना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो आप यहाँ से पहले से प्रेजेंटेशन अपना तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से कई सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और सभी को हम बारी बारी से यूज बताते हैं। जैसे कि आपको टेक्स्ट वगैरह कुछ क्रिएट करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एस के वेब डिज़ाइनर। आप शिफ्ट वगैरह इसको कहीं भी एक जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको साइज वगैरह एडजस्ट करना है या कुछ भी करना है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट का सारा सेक्शन दिया हुआ है, कलर वगैरह जो भी आपको सेट करना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ वर्ड सेक्शन के लिए हो गया। ठीक है, सेकेंड पेज में चलते हैं। अगर आपको शेप वगैरह क्रिएट करना है आप यहाँ से शेप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको शेप चाहिए आप यहां से क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह का भी शेप हो। या फ्री ड्रॉ करना है तो आप फ्री ड्रॉ भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ड्रॉ करना है। थर्ड पेज में चलते हैं। अब थर्ड पेज में हम मीडिया क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मीडिया में किसी भी तरह का आपको इमेज इसमें इंसर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। जैसे कोई भी इमेज मैं इंसर्ट कर देता हूँ अभी, जैसे ये गुरुकुल का इमेज है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को पढ़ाना है तो मैं यहाँ से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा इसमें सेलेक्ट, जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा, अगर इमेजेस को कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हैं, इसे क्रॉप कर सकते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको करना है, मास्क लगाना है या बॉर्डर वगैरह देना है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन देना है, आप यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग फोर्थ पेज में। और फोर्थ पेज में हम टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि आपको 1x1 का टेबल चाहिए या फिर 2x2 का या 3x3 का, जितना भी आपको टेबल चाहिए आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी कुछ आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट को उस चीज़ को पढ़ा सकते हैं। जिस तरह से आपको कुछ भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और इसको एडजस्ट भी आप कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी जगह पे। उसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, लेआउट को चेंज करना है तो आप लेआउट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ पेज में। आपको किसी भी तरह का एक्टिविटीज क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नॉलेज के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, या फिलिंग द ब्लैंक्स के हिसाब से। आपको जिस तरह का ऑप्शन यहाँ पे डालना है आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं फिलिंग द ब्लैंक्स चूज कर लेता हूँ, मुझे जो भी जैसे कार्टून में चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, इंग्लिश का मैंने क्रिएट कर दिया। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एस्केप, और यहाँ पे हिंट के लिए अगर कुछ देना है तो आप हिंट दे सकते हो और डन कर देना है इसको। ठीक है, एड ब्लैंक, आंसर इसका देना है, सॉरी फॉर डैट, आंसर आपको देना है तो यहाँ पे आंसर कुछ भी दे दीजिए। जैसे कि एसके मैंने लिख दिया, सॉरी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे डन कर देना है आपको। अब यहाँ पे स्टूडेंट को ऑप्शन जितने भी आप दे सकते हैं या किसी तरह का ऑप्शन आपको क्रिएट करना है, जितने भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। के बाद हम सेवन्थ पेज में जाते हैं। अगर आपको माइंड मैप क्रिएट करना है तो आप यहाँ से माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसी भी तरह की चीज़ आप ले सकते हैं। जैसे टाइम हो गया, टाइम मैंने लिख दिया, यहाँ पे टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब चाहो तो इसको और भी ऐड आप यहाँ से कर सकते हो, जितना भी आपको ब्रांचेस ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें भी आपको ब्रांच ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट वगैरह भी कर सकते हो। इसमें आपको सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप राइट क्लिक करोगे ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको आप एडिट करना चाहते हो, जिस तरह से रिमार्क या मीडिया वगैरह इंसर्ट करना चाहते हो, जिस तरह का चीज़ इंसर्ट करने का, यहाँ पे जस्ट इसके जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे साइड में उसका एडिटिंग वगैरह का आपको ऑप्शन आ जाएगा कि टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो।
और भी मैं पेजेस ऐड कर लेता हूँ अभी, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे सब्जेक्ट में मैं जाऊँगा, जैसे सब्जेक्ट में ज्योमेट्री वगैरह या इस तरह का कुछ चीज़ आपको क्रिएटेड करने हैं, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ज्योमेट्री क्रिएट करना है, 3D फिगर बनाना है, तो आप यहाँ से 3D फिगर बनाकर स्टूडेंट को दिखा सकते हो, ठीक है। इसमें आप कलर फिल करना है तो कलर वगैरह फिल कर सकते हैं आप। बॉर्डर चेंज करना है, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। और भी जो चेंज करना है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें बैक जाएंगे हम, बैक जाने पर आपको फंक्शन मिलेंगे, किसी तरह का फंक्शन वगैरह आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करके स्टूडेंट को दिखा सकते हो। यहाँ पे कॉन्टेंट में रख सकते हो कि किस चीज़ का फंक्शन है, कि वाई इक्वल टू एक्स टू पावर माइनस वन जो भी है आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, किसी भी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट करना है तो फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट करते ही यहाँ पे आपका यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जैसे कि नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और नेक्स्ट पेज में किसी तरह का आपको प्लैनेट क्रिएट करना है, यहाँ पे प्लैनेट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे प्लैनेट का ऑप्शन दिया रहता है पहले से, तो आप इसमें प्लैनेट इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्लैनेट सारा शो होने लगेगा। जैसे ही आप इस पे सोलर सिस्टम पे क्लिक करेंगे, या सोलर सिस्टम यहाँ पे शो होने लगेगा आपको। और भी नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं, सॉरी बैक टू प्रिपरेशन फिर से जाते हैं। यहाँ पे पेज और भी ऐड कर लेते हैं। पेज ऐड मैंने कर लिया। कुछ भी तरह का इंसर्ट करना है तो सारा इंसर्ट करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। चैट वगैरह इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि आपको किसी तरह का बैकग्राउंड चेंज करना है अपने हिसाब से, तो यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत सारे बैकग्राउंड दिए हुए हैं। आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको बैकग्राउंड चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई अलग से इमेज बनाया हुआ है, 16:9 का इमेज होगा, आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और अप्लाई थीम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको और पेज में ऐड करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे मैं गया, मान लीजिए मुझे इस पेज में इस तरह का इमेज नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर जाएंगे, मुझे कोई ब्लैंक कलर चाहिए किसी भी तरह का, जैसे कि इस तरह का मुझे कलर यूज़ करना है, और भी कलर कोई भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कलर यूज़ करना है आपको, इस पर ही पढ़ाना है तो आप यहाँ से पढ़ा सकते हैं। और इसमें लेआउट वगैरह पे आपको ऑप्शन दिया हुआ किस तरह का लेआउट क्रिएट करना है, तो यहाँ से लेआउट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं, यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन दिया हुआ किसी तरह का एनिमेशन, मतलब जैसे प्रेजेंटेशन आपको घूमेगा, मैजिक सर्कुलेशन होगा, फेड का ऑप्शन दिया हुआ है, पुश का ऑप्शन दिया हुआ, सर्कुलर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब जाएंगे हम जैसे डिस्प्ले पे मैं क्लिक करूँगा, ये सारा पेजेस मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारा आपका पेजेस शो होगा कि आपने जितने पेजेस क्रिएट किए थे, अब बारी बारी से आप इस पे पढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आते हैं कि इसको कौन सा पेन आपको चूज करना है, जैसे कि पेन का साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कलर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अंडो करेंगे पूरा अंडो हो जाएगा आपका। पेन का साइज बढ़ाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा के आप लिख सकते हैं। कलर चेंज सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैंने एस के ही लिखा, मैं अभी इस सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ। जब आप इसे डिजिटल बोर्ड में डालेंगे तो और भी स्मूथली राइट होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो है स्लाइड टू क्लियर का पूरा बोर्ड क्लीन करने के लिए, दूसरा है आपको अपना जब पाम यूज कीजिएगा डिजिटल बोर्ड पे तो कुछ इस तरह से इरेजर आएगा, ये जो इरेजर बड़ा हो जाएगा, जैसे कि आपने कुछ यहाँ पे लिखा भी, ठीक है। ये मैंने अभी लिखा, जब अभी ये इरेजर है मैं यहाँ पे चूज कर लिया हूँ इरेजर पे, और ये इरेज होगा। अभी जो आप ये इरेजर देख रहे हो, जब आपने पाम का यूज करोगे तो कुछ अच्छा खासा इसका साइज बन जाता है, लाइक इतना बड़ा, जितना बड़ा पाम यूज करोगे उतना ये बड़ा इरेजर बनता जाएगा, इतने साइज का बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अंडो का ऑप्शन दिया हुआ है। सेम चीज मैं वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिखाया था कि आप सेव वगैरह, मान लीजिए आप पढ़ाते वक्त कुछ सेव क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से सेव वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो, सॉरी सेव वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जिस तरह के सेव चाहिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा और भी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ज्योमेट्रिक का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लैनेट का है, इक्वेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइन ग्रिड का है, पोएट्री है, फंक्शन है, या फिर आपको स्नैप करना है, टाइमिंग देना है, तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ाते वक्त आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। लाइन ग्रिड का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे लाइन ग्रिड का यूज करना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इसका। ओके,
फिर से बैक, या फिर आपको, अब जैसे कि आपने पेज पहले बहुत सारे पेजेस बनाए हैं, तो बारी बारी से स्टूडेंट को यहाँ से पेजेस दिखा सकते हैं। कोई भी इमेज है जिस जैसे कि आपने इंसर्ट किया है यहाँ पे, अब जैसे आपने ये इंसर्ट किया था इस पेज में, 10th पेज में, तो यहाँ पे आप पहले से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, स्टूडेंट को यहाँ पे पढ़ा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बैक टू प्रिपरेशन जाते हैं। फिर से कुछ चेंजेस करना है तो प्रिपरेशन में आप चेंजेस कर सकते हो, सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।